गुड इवनिंग ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक नई अपडेट लेकर के आए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में जो कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, और ये बताया था आपका यूपी आरबीएनएल में जेई का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो आपको एक तरह से ये विश्वास हो गया होगा कि जो हम आपको अपडेट देते हैं वो सही देते हैं। और आज देखिए यूपी आरबीएनएल ने जेई का रिजल्ट आउट कर दिया है, तो चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे कि कट ऑफ कितना गया है और एक ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको बताया था जो ये U48 49 पे एक वो चल रहा था आपका वर्क, तो उसके बाद मैंने बताया था उसके बाद फिर U44 पे ही काम चलेगा। तो देखिए आज विभाग ने विद्युत सेवा आयोग ने जो जेई की वैकेंसी आई हुई थी उसके साथ और भी कुछ पद थे उनका रिजल्ट पहले ही आउट हो गया था। अब जेई का यांत्रिक जो ट्रेड था उससे देखिए इन्होंने ये कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया है। शॉर्ट लिस्टेड का एक तरह ये बने कि ये सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और इनके रोल नंबर के आगे जिस जहाँ स्टार लगा है उनको ये ध्यान देना है कि इनके किसी डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ कमी रही होगी, वो अपने डॉक्यूमेंट की कमी विद्युत सेवा आयोग में जा कर के अपना कंप्लीट करा दें, क्योंकि ये विद्युत सेवा आयोग के द्वारा भर्ती चल रही है आपकी। पहले जो कराया था आपका जो आयोग अलग था उत्पादन निगम का, अब ये विद्युत सेवा आयोग ही करा रहा है, तो आपको विद्युत सेवा आयोग ही जाना पड़ेगा। जिसका आप एड्रेस देते हैं तो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत सेवा आयोग का, इसी एड्रेस पर जा करके जिनका स्टार लगा है वो अपना स्टार हटवा सकते हैं, और जितना जल्दी करा लेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि फिर उनकी ज्वाइनिंग में देरी हो सकती है। और जेई यांत्रिक की जो कट ऑफ गया है आप देख सकते हैं 160.25 ये रिजर्व कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस का 156.5, ओबीसी का 157.25, इसी प्रकार से आप आगे भी चेक कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है उसका जो है देखिए सेलेक्टर कैंडिडेट यहाँ पे हैं, इसमें देखिए स्टार जो लगा हुआ एक कैंडिडेट ये अपना ध्यान रखेंगे स्टार कैसे हटवाना मैंने आपको बता ही दिया। कट ऑफ जो गया है इनका वो देखिए अनरिजर्व का 146.75, ईडब्ल्यूएस का 142.838, ओबीसी का 144.5, इसी प्रकार से आगे भी देख सकते हैं आप। और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेल कम्युनिकेशन जो होता है इंस्ट्रूमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका जो है सेलेक्टर कैंडिडेट यहाँ लिस्ट दिया गया है और इनका कट ऑफ मार्क यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक अनरिजर्व का 130 दिया गया है और ईडब्ल्यूएस का 121, ओबीसी का 129, एससी का 115.5, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका कट ऑफ कितना गया है। कंप्यूटर साइंस जो आईटी वाले हैं उनके लिए यहाँ कट ऑफ देखिए बहुत अच्छा गया है, कम गया है, और इसमें सेलेक्टर कैंडिडेट ये दिए हैं स्टार लगा हुआ उनके लिए मैंने बता ही दिया क्या करना है। तो ये थी आज की अपडेट, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।